बरोडा नायर वेलफेयर एसोसिएशन और केरला समुदाय ने कलोनम का पर्व मनाने का आयोजन किया था। दरअसल बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर ओनम पर्व मनाने का आयोजन करवाया गया था। ओनम केरला का एक प्रमुख त्यौहार है। ओनम का उत्सव चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तब जब उर्मी स्कूल में ओनम का पर्व मनाया जा रहा था, तब बरोडा नायर एसोसिएशन के प्रमुख मोहन नायर, बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लता बेन गुप्ता, ट्रैफिक एसीपी डीएम व्यास और साथ ही केरला समुदाय के अग्रणी विशेष तौर पर मौजूद रहे थे। जब वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति बनाई थी, तब बरोडा नायर वेलफेयर एसोसिएशन ने फूड पैकेट्स पहुंचाने से लेकर अन्य कई कार्य लोगों के हित में किए थे। इसके अलावा भी साल भर बरोडा नायर वेलफेयर एसोसिएशन कई एक्टिविटीज़ और सेवा की कार्य करता है। तब ओनम का पर्व मनाते हुए नायर और केरला समुदाय के लोगों ने पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेशकश की थी और फिर समुदाय के लोगों ने इकट्ठा मिलकर पारंपरिक भोजन किया था। बरोडा नायर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ओणम जो केरला का प्रादेशिक उत्सव है, इधर भी केरला ही वहाँ ओणम होता है। दुनिया में कहाँ भी हो, केरला वाला होगा तो वहाँ ओणम होता है। आज केरला नायर वेलफेयर एसोसिएशन 30 साल से यहाँ सजीवते से काम करता है, बहुत कुछ चैरिटी काम करता है। ये बार अभी अपना जो पोर हुआ था तो हम लोग ट्रैक्टर में आओ तैर के, आपको माल में बाकी कोई काम नहीं किया, हम लोग सब जगह पर जिधर जिधर हो सकता है वहाँ सब जाकर खाना पहुँचाया। ऐसा हम लोग ये बरोडा नायर काम करते हैं। हमारा उसका मेन उद्देश्य यह है कि सब फैमिली लोग साथ में मिले, भाईचारा होगा, लव होगा और एक दूसरे को जाने के लिए बहुत बड़ा चांस मिलता है। खाना है वो केरला ओणम सद्या बोलता है। ओणम सद्या में केरला का जितना भी वांगी होगा, इतना वांगी लोग उसमें कभी से कई तो मौके दूसरे का वो वांगी आज सबको हम लोग केला का पत्ते सबको खिलाने वाला है। ओणम मैं बोला पहले हम लोग डेढ़ साल मनाते हैं, आज भी विविध प्रोग्राम के साथ मनाया जा रहा है। आप सबको हमारा शुभकामना। सितंबर 15 तारीख को हमारा ओणम था और ओणम हमारा पूरा एक महीना हम लोग उज्जवल नहीं करते, अलग अलग संस्थाएं। आज हमारा बरोडा नायर वेलफेयर एसोसिएशन ने ओणम सेलिब्रेशन किया जो हर साल हम लोग करते हैं, साल लास्ट 30 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे 1500 फैमिली आते हैं, हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसके बाद ट्रेडिशनल खाना हम लोग खिलाया जाता है जो केरला का ट्रेडिशनल खाना है। ओणम का ऐसा महत्व है कि महाबली जो है, जो केरला का राजा था, उनको वामन ने नीचे उतार दिया था और उसके बाद महाबली ने ऐसा बोला है कि मैं साल में एक बार आपके उधर आऊँगा और ये ओणम का दिन आता है। एंड ओणम हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सबका खेती बाड़ी मिलने के बाद खुशहाली का फेस्टिवल है और सबको ओणम का शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।